फिल्मी जगत की बात करें रचा, तो उसमें भी तुम देखोगे कि जो युवा कलाकार हैं वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं. अब हाल ही में अगर हम केरला स्टोरी की बात करें, उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे प्रणव मिश्र जी, और इन्होंने शुरुआत की थी टीवी सीरियल से. फिर चाहे वो जोधा अकबर हो या बड़े अच्छे लगते हैं या फिर स्वराज, तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान अभिनेता प्रणव मिश्रा जी से. बहुत बहुत स्वागत है प्रणव आपका डीडी मॉर्निंग शो में. बहुत स्वागत है आपका प्रणव. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के द केरला स्टोरी 300 करोड़ का उसने बिजनेस किया. कैसे केरला स्टोरी आपको मिली और इसके पीछे क्या कहानी है? हाउ डिड यू लैंड इनटू दिस रोल? ये जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ पहली बार इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे हो रहा है कि हाँ ये हो गया. आई मीन देर आर टाइम्स जहाँ अभी भी मैं खुद को देखता हूँ, कहता हूँ अच्छा ये हो गया है, दैट हैज हैपेंड. आई एम वेरी हैप्पी, आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट. वो कहते हैं ना कि it feels the best when you expect it the least. I got a phone call from Sunshine Pictures, Vipul Shah sir ke office se, from Mr. Ashin Shah, and he said that we're making this film and there is a part we would like to offer you. I exactly remember wo 2-3-4 second ka jo waqfa tha wo ekdam blank tha aur mujhe lag raha tha ye kya ho raha hai. Jo pehla mera thought tha wo yahi tha that I want to give in as much as I can of my capacity एज एन आर्टिस्ट इस प्रोजेक्ट पे, ताकि देश के लिए और देश की बेटियों के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो लाउड एंड क्लियर सब तक पहुँचे. और इसमें मैं मेरी तरफ से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो ये बिल्कुल वो हो गया. अच्छा केरला स्टोरी की बात करें तो जब विपुल शाह जी का फोन आया था आपके पास, तो उससे पहले आपने ऑडिशन दिया था मूवी के लिए या फिर आपके पुराने काम को देखकर ही उनको लगा कि नहीं प्रणव इज द फेस दैट आई एम लुकिंग फॉर? वो देखकर उन्होंने बोला दैट देयर इज दिस पार्ट वी वुड लाइक टू ऑफर यू. ओके. और फिर आई एक साथ में स्क्रिप्ट. अच्छा. और ये वो समय था जब मैं सोनी टेलीविजन पर एक नाटक कर रहा था, एक था मैम का बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 जी, और वो काफी प्रसिद्ध नाटक रहा अपने समय का भारत का. तो स्क्रिप्ट आई, मैंने पढ़ी, ऑडिशन भेजा, 10 मिनट में फोन आया. क्या बात है. आई मीन मेबी इट वाज दिस टाइम, इट वाज मेंट टू हैपन. हां एग्जैक्टली. तो जर्नी की बात करें तो कैसे शुरुआत हुई, कब ये एक्टिंग का बुखार चढ़ा सर पर? तो मैं जयपुर राजस्थान में पला बड़ा और पहली बार जब ऐसा ही एक चौपाल का मंच था और मैं टीवी में देख रहा था और मेरे फादर साहब का इंटरव्यू आ रहा था. मेरे फादर वैद्य हैं, बालकृष्ण मिश्र, तो उनका इंटरव्यू आ रहा था चौपाल में और 2 घंटे बाद मैंने उनको देखा, वो हमारे साथ खाना खा रहे थे. मैंने बोला यार पापा टीवी में आते हैं. क्या उम्र थी आपकी तब? मैं कुछ 5-6 साल का. ओके. तो तब से एक थॉट था कि टीवी में जाना है और टीवी में जा सकते हैं. स्कूल के दिनों से ही मैं बहुत ईमानदारी से, कहीं मैंने ये कही नहीं है बात, और पहली बार ये सब हो रहा है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, बट स्कूल के दिनों से आई वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड एकेडमिकली, जो हमेशा मतलब टॉप 3 में मैं रहा करता था. नीचे से. Yeah, that's the mark of true intelligence actually. I agree with you. मुझे बहुत क्लियर ये याद है कि क्लास में बैठकर जब टीचर पढ़ाते थे तो मुझे समझ नहीं आता था और मैं सोचता था कि ये टीचर क्या ऐसा बता रहे हैं जो बाकी सब बच्चों को समझ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. बट दैट लिटिल बॉय इन मी कुड नॉट सी दैट आई एम एबल टू ऑब्जर्व सिटिंग इन दैट क्लास दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड मी. तो उसको थोड़ा समय लगा, मैं इंतजार करता था एनुअल फंक्शन कब होगा और उसके लिए क्लास से छुट्टी होगी, पढ़ाई से छुट्टी होगी, 2-3 महीना सिर्फ रिहर्सल करेंगे. सो आई रियली यूज टू इंजॉय दैट पार्ट ऑफ माई टाइम इन स्कूल. तो वो एक बचपन से ही चला आ रहा है. आई रिमेम्बर परफॉर्मिंग इन स्कूल एनुअल फंक्शंस. थिएटर भी किया? हाँ जी. कितने साल? 3-4 साल. जयपुर से हैं आप तो जयपुर में ही किया थिएटर? रविंद्र मंच जवाहर कला केंद्र. हाँ. थिएटर किया, फिर नुक्कड़ नाटक करे, फिर दिल्ली में मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में हम खून ब्लड डोनेशन पर कुछ तस्वीरें मैं आपको देता हूँ, फिर हौस खास विलेज में हम चले जाते थे या दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते थे कि बेटियों को पढ़ाओ, तो ये सब करते थे. बहुत मजा आता था, तभी
ना तो कोई इंटेंशन थी और ना ये मालूम था कि ये सब होने वाला है, तो बस फर्स्ट ब्रेक कौन सा था? फर्स्ट ब्रेक कौन सा था टेलीविजन पर, क्योंकि आपने बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स किए हैं और लोगों ने आपके किरदारों को बहुत पसंद बहुत किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत अलग अलग तरीके के किरदार किए हैं, कुछ मिथिकल टाइप के क्रिएचर का भी, और प्लस अगर आप देखा जाए तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी आपने प्ले किए हैं। अरे सब जानते हैं आपको। पहला मेरा जो ब्रेक था वो टेलीविजन का पहला श्रेय, या आई एम रियली ग्रेटफुल टू एकता मैम, उन्होंने पहला मुझे ब्रेक दिया सोनी टेलीविजन पर, क्या हुआ तेरा वादा में, ऑपोजिट शी इज़ अ वेरी बिग नेम राइट नाउ, सरगुन मेहता। सो दैट वाज माय फर्स्ट टेलीविजन ब्रेक व्हिच हैपेंड इन 2012। फिर बस चलता रहा, देन आई डिड शो फॉर MTV, देन आई डिड समथिंग फॉर जोधा अकबर एकता मैम के लिए। आप अपने होल करियर में टर्निंग पॉइंट किस टीवी सीरीज और टेलीविजन व्हाटएवर या मूवी, किसे आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं? यार टर्निंग पॉइंट जैसा तो पता नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है कि एकता मैम का जो वो शो था, मुझे जिस पॉइंट पर वो शो मिला था, आई हैड लॉस्ट ऑल ज़ील एंड फेथ इन माई सेल्फ। एंड आई रिमेंबर, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मैं, एक मेरे मित्र थे जो महादेव शो में आया करते थे, मैंने बोला यार मुझे आप भाला दे के और मैं सैनिक बन जाऊंगा, बट आई वांट टू बी ऑन सेट, मैं घर पे नहीं रह सकता। सो दैट वाज वन रोल व्हिच रियली गेव मी अ टेस्ट ऑफ हाउ बीइंग ऑन सेट फील्स लाइक, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैं जब ही दीवानगी, व्हेन दीवानगी हैपेंड इन 2017, तो पहली दफ़े वो एक हीरो या लीड जो होता है वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, और उसके बाद फिल्म तो मतलब अभी तक सरियल लगता है। बट शायद सच है, वो कहते हैं ना कि द लाइट इज एट द एंड ऑफ द टनल, सो प्रोबेबली जब आपने पूरी तरह से, जैसे आपने कहा कि मैं हार मान चुका था, तब गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर यू एंड देन यू नो इट हैपेंड। दूरदर्शन के साथ कोई याद है, या दूरदर्शन के दर्शकों के लिए कोई मैसेज? दूरदर्शन के साथ जो मेरी सबसे खास याद है वो यही है कि all of it started with me watching my father on that Chopal interview. Aur Doordarshan ke liye I have shot for Swaraj. Swaraj maine Azimullah Khan kiya hai. In fact you would be surprised that I have done a daily soap for Doordarshan also. Which one? Ye hamare research mein kami reh gayi hai, we didn't know about that. तो 2016 में there was this show called अलबेली कहानी प्यार की, तो उसमें जो हीरो था गीत गांधी, वो मैं प्ले करता था। अरे opposite, अच्छा, that was even the lead role. This was with श्रेया बुगड़े जी। Wonderful, wonderful. थैंक यू प्रणव जी कि आप यहाँ आए, डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी बातें साझा की, थैंक यू सो मच। कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और आपने मुझे कहा कि दूरदर्शन के लिए और दूरदर्शन के दर्शकों के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है आपके साथ उसे जिए, जैसा इन्होंने कहा दैट लाइट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द टनल, बट मैं कहता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट बी ऑनेस्ट टू द प्रोसेस, डोंट, और गीता भी ये कहती है कि डोंट थिंक अबाउट ये होगा ये नहीं होगा, आपका जो प्रोसेस है उसमें दिलो जान से मेहनत करिए, होना ही है। हाँ, जैसे गीता कहती है, मैं वो श्लोक कंप्लीट कर देती हूँ, कर्मण्य वाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बात है, थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बात,